अपना जो है वो किसी भी चैनल पर आकर जो है वो बात करने का चैलेंज भी दे दिया नौ मुंतखब वज़ीर आज़म को। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शेख खाकान अब्बासी ने भी इससे पहले जो है वो खिताब किया कौमी असम्बली से और इसमें उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ का ऐलान किया। अपनी पॉलिसीज़ का ऐलान करते हुए उनका ये कहना था कि मैं 45 दिनों में 45 महीनों का काम करूँगा। और आपको यहाँ पर ही बताते चलें कि PTV ने शेख रशीद की तकरीर को दिखाना गवारा नहीं किया क्योंकि वो तमाम पॉलिसीज जो कि शाहिद खाकान अब्बासी ने जो है वो इस खिताब के दौरान अपनी बताई थी, शेख रशीद जो है वो तमाम का जवाब दे रहे थे और PTV ने जो है वो उनका खिताब जो है वो दिखाना गवारा नहीं किया, उनकी पूरी तकरीर जो है वो दिखाना गवारा नहीं की। PTV ने इस तकरीर में उनका ये कहना था कि 10 लाख लोग बेरोजगारी काट रहे हैं, कर्जा $35 अरब लिया गया है 4 सालों में और इस मुल्क की सबसे महंगी LNG जो है वो आप लेकर आए हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो उन्होंने वज़ीर आज़म की हैसियत से इस वक्त जो है वो खिताब करते हुए अपनी पॉलिसीज का ऐलान किया था, उनकी पॉलिसीज का जो है वो फर्दन जवाब दे रहे थे शेख रशीद और इस वक्त PTV ने उनका खिताब दिखाना गवारा नहीं किया है। शेख रशीद जो है वो इस वक्त खिताब कर रहे थे और इस खिताब में उन तमाम पॉलिसीज का वो जवाब दे रहे थे जो कि शाहिद खाकान अब्बासी ने जो है वो वज़ीर आज़म की हैसियत से खिताब के दौरान इस फोरम पर जो है वो बताई थी और उनका ये कहना था कि 10 लाख लोग जो है वो बेरोजगारी का